हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो ये पार्क्स कंपनी का जैकेट है जिसके ऊपर लेदर का टैग लगा है, और जब वॉश किया होगा सामने वाले कस्टमर्स ने, इसको कभी वॉश किया होगा या लॉन्ड्री में कभी दिया होगा, तो पानी लगने की वजह से जो लेदर का कलर है, इस तरह से स्टेन उसमें आ जाते हैं कपड़े में। ये अभी बिफोर वॉश में आपको दिखा रहा हूँ, आफ्टर वॉश भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसका डेमोस्ट्रेशन नहीं दिखाने वाला हूँ किस तरह से स्टेन ये रिमूव करना है, लेकिन सावधानी क्या बरती जाए, क्या करना पड़ेगा कि इस तरह से स्टेन आएंगे नहीं आपके कपड़ों में, लॉन्ड्री के कपड़ों में, तो वो बातें मैं आपके साथ में भी डिस्कस कर रहा हूँ। ये डेमोस्ट्रेशन वीडियो नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का टैग, अभी समझो ये टैग है व्हाइट जैकेट पे, तो मैंने रिमूव कर लिया और उसके स्टेन मैंने 100% क्लीन भी कर दिए, और मैंने ये टैग बिफोर वॉश, मैंने ये टैग अब रिमूव कर लिया है और कस्टमर्स को मैं दे दूंगा, और वापस से वो टिचिंग करके लगा भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ब्रांडेड जीन्स इस तरह की होती है जिनमें बेल्ट जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे लेदर के टैग होते हैं, बैजिंग होती है जीन्स के ब्रांड की। बहुत बार लॉन्ड्री ओनर हो गए, घर में जो आप कपड़े लॉन्ड्री में डालते हो, मशीन में डालते हो, वॉशिंग मशीन में वगैरह, तो आप वो टैग्स चेक नहीं करते हो। आप चाहो वॉशिंग मशीन में वॉश कर लो, मैनुअल वॉश कर लो, वॉश करने के बाद में आप हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में डालो, इन लेदर हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में डालने के बाद में, ड्रायर में भी डालने के बाद में, कभी कभी इसमें थोड़ी बहुत अगर उसमें टाइम हुआ, डिले हुआ, हाइड्रो में डालने के बाद जब ड्रायर में डालते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिले हो गया, तो ये जो लेदर का मॉइस्चर है ना, उसमें से 100% रिमूव नहीं होता है। थोड़ा सा भी वो लेदर टैग में अगर मॉइस्चर रहा तो आपके कपड़े 100% डैमेज हो जाते हैं, कई जगह पे इनके स्टेन लग जाते हैं, और वो ब्रांडेड जीन्स पे आप हार्ड केमिकल यूज़ नहीं कर सकते हो रिमूव करने के लिए। तो सिंपल सा फंडा है, आप उसको वॉशिंग करते टाइम एक तो निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, या फिर आप जब वॉश करते हो, वॉश करने के बाद में हाइड्रो करेंगे, तो आपके पास अगर टंबल ड्रायर नहीं होगा तो आप हेयर ड्रायर मशीन आता है उससे भी इस लेबल को ड्राई कर लीजिए, इससे स्टेन नहीं लगेंगे। अभी मेरे कुछ दोस्तों का मुझसे एक क्वेश्चन था कि हमसे जीन्स के टैग के कलर लग जाते हैं और रिमूव नहीं होते, क्या करना पड़ेगा, तो अभी कर क्या सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली वॉश कर सकते हैं, गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मली आप अच्छे से मशीन में वॉश कर सकते हैं, लेकिन वॉश करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्टेन क्लीनिंग करने से इम्पोर्टेंट है उसकी ड्राई करने की प्रोसेस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगर आप उसको हाइड्रो करने के बाद में हेयर ड्रायर, छोटा सा हेयर ड्रायर मशीन लेके भी आप अगर वो लेदर के लेबल को अगर ड्राई कर लेते हो तो बिल्कुल भी स्टेन इधर उधर नहीं लगेगा, और लेदर पानी में जाने के बाद में उसका बहुत सारा कलर छूटता है। आप को अगर ऐसी दिक्कत आ रही हो तो फिर ये ट्राई कीजिए, आफ्टर वॉश हाइड्रो से निकालिए, हाइड्रो से निकालने के बाद में उसको हेयर ड्रायर मशीन से ड्राई कर लीजिए या फिर टंबल ड्रायर में डाल दीजिए, ये दो ऑप्शन है आपके पास। नहीं तो बहुत सारी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की ब्रांडेड जीन्स आती हैं, उनमें ये टैग लगे होते हैं और डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता ही है। इस टैग के जो भी स्टेन थे मैंने 100% रिमूव कर दिए हैं, और इस जैकेट को मैंने थोड़ा हार्ड वॉश किया है तो ये स्टेन 100% रिमूव भी हुआ है, लेकिन आपको इस तरह के स्टेन लगने ही नहीं देना है। अभी इस जैकेट को मैं थोड़ी हार्ड वॉश कर पाया हूँ, लेकिन जीन्स में वगैरह जो भी कलरफुल क्लॉथ्स आते हैं उसमें आप कोई भी हार्ड केमिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो बेटर होगा, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट, मोटिवेशनल कमेंट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना। चैनल का सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन दबा के आप हमारी रेगुलर नई वीडियोस देख सकते हो, और इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल भी फ्री है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद फ्रेंड्स।